सब चीज ठीक है बाबू, अब स्टार्ट किया जाए। देखो आपको हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। तो फ्रैक्शन चैप्टर में आपको बाबू है ना फ्रैक्शन क्या होता है वो बता दिए, डायग्राम बना का है ना, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए। तो टोटल कितना टाइप का फ्रैक्शन बाबू है ना बाबू निखिल, 15 टाइप का। कितना टाइप का राजदीप बाबू, 15 टाइप का है ना, 15 टाइप का। ये आज फ्रैक्शन का टाइप फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेला सीखेंगे है ना। जैसे नंबर को समझते हो ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो बड़का नंबर वो बड़ा होता है, जो छोटका होता है छोटका होता है, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, वो सीखेंगे ना, वो सीखेंगे। तो बाबू आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है ना। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको बाबू, जिसको आप लोग सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे क्या, जिसका बाबू एलसीएम क्या हो गया है ना, एक नहीं हो गया, अदर देन वन हो गया। जैसे आपका बाबू 3 बटा कितना हो जाए, मान लो 9 हो गया, 3 बटा कितना हो जाए, मान लो 3 हो गया बाबू, या 30 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। तो 30 बटा 25 का बाबू अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 30 बटा 25 का अगर एलसीएम निकालोगे बाबू तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 30 बटा 25 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जिस फ्रैक्शन का बाबू एलसीएम बाबू अगर बाबू क्या आ रहा है, 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर आ रहा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। वैसे को क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल कहेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बताए थे, क्या बताए थे बाबू, जिस फ्रैक्शन का बाबू है ना अगर एलसीएम क्या आ जाए बाबू है ना, 1 को छोड़कर, जैसे एलसीएम 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए है ना, कुछ आ जाए है ना, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे है ना। ये बोला, अरे बाबू वीडियो ऑन करो, ये कौन सा फ्रैक्शन है सर, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है ना। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर, वैसा वैसा फ्रैक्शन हो जिसका एलसीएम क्या हो, 1 हो, 1 के सिवा छोड़कर कोई दूसरा नंबर नहीं हो, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या सर, फ्रैक्शन इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल है ना, इफ एलसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज क्या, 1। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एलसीएफ निकालना क्या आ रहा, 1 आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। तो जनरली जो आपको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं बताया था है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वही चीज है, खाली नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का भी एलसीएफ कितना होता है, 1 होता है। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन का एलसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों क्या है, सेम ही चीज है, खाली नाम क्या क्या है ना। जैसे आप लोग अभी दादी घर होगी तो पोती या नानी घर जाओगे तो क्या बनोगे, नतनी बनोगे है ना। तो दोनों सेम ही हो, इससे ही हो, खाली नाम क्या होता है, चेंज होता है ना, चेंज होता है ना। तो वही बात यहाँ पे भी है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो जैसे बाबू 5/7 है, हमको कैसे पता चलेगा सर रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है, तो एलसीएफ निकाल लेना। 5/7 का बाबू एलसीएफ निकाल लेना, तो एलसीएफ निकाले ला आगे आपको सिखाएंगे है ना। एगो चैप्टर ही है, आपको सिलेबस जो प्रोवाइड किया उसमें एलसीएम एलसीएफ करके चैप्टर है, तो उसमें हम लोग फास्ट मेथड से एलसीएफ एलसीएम निकाले ला सीखेंगे ना। चैप्टर ही आएगा, जल्दी आएगा, ठीक। तो 5/7 वो क्या है, इसका एलसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएफ इसका क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे करके निकाल सकते हो, 5 है 7 है, एक बार में 5 हो गया, 2 हो गया, 2 बार में 4 हो गया, इस तरह से निकाल सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से है ना। ठीक, तो इसका एलसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। श्वेता बाबू वीडियो ऑन कीजिए, रोशनी बाबू रोशन करो। हाँ सर जी, सबसे 5 का फैक्टर और 7 का फैक्टर जिसमें से कॉमन लिखेगा वो अच्छा ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 13/7 है बहू, 13/7 है ना, तो इसका भी एसएफ निकालोगे कितना होगा, 1 सर। कैसे सर, यहाँ पे निकाल के आपको बताए ना, निकाल के बताए ना। तो ये भी मेरा क्या है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये भी क्या है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है ना। सालिम बाबू वीडियो ऑन करो, जिस जिस फ्रैक्शन का एसएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, जैसे 10/4, तो इसका एसएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10/4 का एसएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो जो नॉट रिड्यूसिबल होगा क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। जो नॉट इरिड्यूसिबल होगा, जो नॉट इरिड्यूसिबल होगा क्या होगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या है, नॉट इरिड्यूसिबल ना, तो ये क्या बनेगा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बन जाएगा है ना, रिड्यूसिबल बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जैसे यहाँ 20/24, तो इसका एलसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मन से प्रणाम बाबू निखिल बाबू राजदीप सैताना सक्षम, इसका एलसीएफ निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, वो नॉट इरिड्यूसिबल, मतलब क्या है, नॉट इरिड्यूसिबल कहने का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। क्या हो गया, इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिबल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल कहेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या था बाबू है ना, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन और इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। 15 नंबर जो फ्रैक्शन है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बल्गर फ्रैक्शन। इसको आप लोग जो शुरू में स्टार्टिंग में 14 टाइप फ्रैक्शन लिखा ना, उसमें एक ये डाल दो 15 नंबर, स्टार्टिंग में जो 14 टाइप का फ्रैक्शन निकाले बाबू, उसको इसमें 50 नंबर इसको ऐड कर दो। कौन सा, बल्गर फ्रैक्शन। 50 नंबर क्या है, बल्गर फ्रैक्शन है, किस कान में उठे जी। ठीक है, 50 नंबर क्या है बाबू, बहुत पिटेंगे कब बाबू। नेक्स्ट बाबू, बल्गर फ्रैक्शन पहले समझाते हैं, उसके बाद लिखना है।
क्या सर डांस मेरा कर रहे हो? म्यूट है, म्यूट है तो डांस क्या कर रहे हो? कर दिया सर मेरा बैटरी नेक्स्ट बाबू। 15 नंबर कौन सा है सर? बल्गर फ्रैक्शन, इसका एग्जांपल समझो है ना। देखो बाबू, अगर डिनोमिनेटर में बाबू 10 नहीं रहना चाहिए, 100 नहीं रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1000 नहीं रहना चाहिए, 10,000 नहीं रहना चाहिए, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? बल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 10 नहीं आना, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 10 के पावर n है, मतलब 10 के पावर n, मतलब 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, है ना, 1000 नहीं होना चाहिए, है ना बाबू, आपका ये 10,000 नहीं होना चाहिए, 1 लाख, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। जैसे 3/5, ये क्या है? बल्गर फ्रैक्शन। ये क्या है? बल्गर फ्रैक्शन, समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर एग्जाम्पल होगा जी इसका? सर 49, 49। हाँ सर 48, अच्छा ठीक है, अब शांत शांत रहो, सर शांत। 49 अच्छा ठीक है, शांत रहिए। शालिनी बाबू वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू 10/7 है, 7 है, बल्गर फ्रैक्शन है, अभी अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। जैसे बाबू सर कितना बाबू, 30/8 है, मेरा क्या है सर? बल्गर फ्रैक्शन है, शांति समझना। 52 नंबर, जैसे बाबू क्या बाबू, शांत सर रहो। क्या हुआ ये स्वाति? सर आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू किया है? सर इसका पीछे कहाँ एंड किया था जी? ये देखो कौन नाम लिखे थे ना जी, 48 जी, कितना लिखे थे कौन नाम वाला? लिखती नहीं आगे बोल। 49 से स्टार्ट करेंगे। सर सर 49 से स्टार्ट होगा। शैतान है, सर मैं इतना बोलूँ, ही कर। सर पिछले क्लास का 71 पे एंड हुआ था। यस सर, 71 पे एंड हुआ था क्लास। तो हम वापस बैक कैसे हो गए? पिछला क्लास नहीं की थी बाबू इसका? अच्छा चलो बाबू, चलो ठीक है बाबू, अब रहने। पिछला सारा गलत हो गया। क्लास नहीं की थी इसका? 72, 3 सर हम लोग नंबरिंग कर देंगे, छोड़ दीजिए। अच्छा नंबरिंग कर देना, नंबरिंग कर लेना, ठीक है ना, नंबरिंग कर लेना, चलो नंबरिंग कर लेना, टेंशन नहीं। नेक्स्ट बाबू, तो ये अभी इसको समझो, इसको समझो, हम लोग क्या कहेंगे? बल्गर फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर? वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसका डिनोमिनेटर में 10 नहीं रहना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है ना, तो ये बाबू क्या है? नॉट बल्गर फ्रैक्शन। ये क्या है? नॉट बल्गर फ्रैक्शन है। क्या है? नॉट 49 को 76 कर दीजिए। सर बल्गर। अच्छा 49 को 76 कर देते, ठीक, ये सब शैतान नंबरी में। नंबरिंग आप लोग कर लेना, राजदीप बाबू निखिल बाबू है ना। 75 सर 70 सर 75 अरे शैतान, हलो मत करो, नंबरिंग कर लेना आप लोग, नंबरिंग अपना जितना है उतना अनुसार कर लेना, ठीक है ना। 76, 77, 78, 79, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, शांति समझो, कंसेप्ट कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू क्या 135 और डिवाइडेड बाई कितना है? 100 है, तो अगर म्यूट करो जी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए बाबू? 10 आवे, 100 आवे, है ना, 1000 आवे या 1 लाख आवे, मतलब 1 पे 0 वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉट बल्गर फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? नॉट बल्गर फ्रैक्शन, समझते चलना। बल्गर फ्रैक्शन किसको कहेंगे बाबू? जिसका डिनोमिनेटर में, है ना, जिसका डिनोमिनेटर में क्या रहे, ये सब नंबर नहीं रहे, जिसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं रहना चाहिए, 100 नहीं रहना चाहिए, 1000 है, 1 पे 0 वाला नंबर नहीं रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। जैसे बाबू कितना, जैसे 61 बाबू अपॉन कितना हो जाएगा? जैसे 61 बाबू अपॉन कितना हो जाएगा? 101, ठीक ठीक तो ये डिन इस शैतान से। को रिमूव कर दिए। बेटिंग रूम इनेबल कर देते हैं जी, ये सब शैतान से। 48 एग्जांपल का नंबर अगस्त्य सेवेंटी वीडियो ऑन कर बाबू, अगस्त्य वीडियो ऑन कीजिए जी। एट सर 78 से होगा अच्छा ठीक है, शैतान हल्ला मत करो। सर। हाँ बाबू चलो सर नंबरिंग सही है सर। ठीक है, ये सब लिखता नहीं सही से। देखो फॉर बाबू, 60/101 है, तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में 100 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 1000, ये मेरा क्या है? बल्गर फ्रैक्शन। ये क्या है? बल्गर फ्रैक्शन है ना, ये क्या है? बल्गर फ्रैक्शन है, जिसके डिनोमिनेटर में निखिल बाबू 10, 100, 1000, 20,000 है, ठीक, सर ये क्या है? ये सारा का सारा क्या है? बल्गर फ्रैक्शन है। ये क्या है? बल्गर फ्रैक्शन है ना, बल्गर फ्रैक्शन है ये भी, मतलब क्या कि बोल? हम सब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारा नंबर नहीं आ सकता क्या?
हम लोग सारे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है? बल्गर फ्रैक्शन है। क्या बल्गर फ्रैक्शन है? ठीक, नेक्स्ट बाबू। जैसे और नॉट वर्गर सर मुझे समझ में नहीं आ रही सर कैसे निकालेंगे। सुनता नहीं है संत? जिसके डिनोमिनेटर में क्या रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, उसको हम लोग बल्गर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। जैसे बाबू 127 और डिवाइडेड बाई 1000 है ना, तो 1000 जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10, मतलब 1 पे 0 वाला नंबर नहीं होना चाहिए है ना, इसके सिवा कोई दूसरा नंबर रहेगा डिनोमिनेटर तो उसको बलगर कहेंगे। यहाँ 1 पे 0 है ना सारा बाबू, तो ये क्या हो गया? नॉट बलगर हो गया। क्या हो गया? नॉट बलगर हो गया, नॉट बलगर हो गया है ना। सर 120 से सर हो ही रहा है सर, जीरो में सर तो जीरो है तो सर नॉट सर वल्गर। मतलब वल्गर के लिए ओनली एक जीरो चाहिए। हाँ, सिर्फ डिनोमिनेटर में 10, 100 ये सब नंबर नहीं रहे, शांति समझो। डिनोमिनेटर में बाबू बादल बनाकर लिख लो, 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए है ना, 10000 नहीं होना चाहिए, सर दस पे पांच एक है ना, ये सब नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। क्या होना चाहिए? ये सब नंबर नहीं होना चाहिए है ना। सर जो जीरो से एंड करे हाँ, 0 से एंड होने वाला नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी सर देखो जीरो और वन बाबू, भी सर 50 भी होता है लेकिन 50 नहीं होगा सर। सर हाँ अगर वन पे जी, 7 जीरो होगा तो सर वो होगा वन सर, नहीं क्योंकि सर वो आपने भी तो 6 ही तक लिखा। अरे शैतान आ गया और डाउट डाउट दिया ना। 1 पे 7, 8, 10, 0, 1 पे 0 वाला नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखो, 1 अगस्त है, वीडियो ऑन करो जी। लक्ष्मी बाबू रोटेट करो बाबू, एस्ता रोटेट कीजिए जी, ए नमन शैतान रोटेट रोटेट करो, इसे बात खराब कर लेगा। ऐसे सर हाँ, ए अरब बाबू रोटेट करो, अरब मोबाइल रोटेट कीजिए जी। मैं नॉट की जगह नॉन लिख सकता हूँ। नहीं, नोट लिखिए ठीक है ना, निगेटिव बनाना। जल्दी लिखो, राजदीप आ गया, निखिल आ गया, कहाँ राजदीप है? अटेंडेंस बना देते बाबू, अपना नाम से ज्वाइन होना निखिल बाबू। और कौन है जी? रौनक है, रौनक भी है, राजरंगनी है, नैतिक, अगस्त्या, लक्ष्मी, स्वाति, रोशनी, इस्ता, अंशिका, ठीक, उत्कर्ष, उड़ीसा, कहाँ गया जी? इसे तान उत्कर्ष उड़ीसा नहीं है जी, है आशुतोष हो गया, आशुतोष कहाँ है? काव्या है, आलोक है, स्वर्ण है, श्वेता सलोनी, विक्रम, शांतनी नहीं है, कालनी है, उत्कर्ष, नमन, सक्षम, सक्षम सर कहाँ गए जी? यहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा है, चलो ठीक है। अंकुश, संकल्प, राजदीप, निखिल, खाली शालनी नहीं आती, साक्षी नहीं, शांतनी नहीं आती। जल्दी लिखो जी। सर हाँ बाबू, जा सकते हैं तो कहाँ बाबू? साक्षी का बर्थडे है। 8 बजे नहीं आएगी? नहीं सर नहीं आएगी। हाँ जी, पिछला वीक मैंने बर्थडे था जी। अच्छा, नहीं सर पिछले वीक में उसका ईयर पिर्सिंग हुआ तो उसका कान दर्द कर रहा था। ये सब का बर्थडे रहता था, 8 बजे के बाद मना लो। नहीं सर सब गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं तो क्लास ऑन रखो, गेस्ट भी पढ़ेंगे, दिक्कत क्या बाबू? वीडियो ऑन कीजिए, उधर भी देखिए, इधर भी देखिए, जाना क्या बाबू? घर का क्लास है बाबू, ओके सर आपको तो और रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मेरी बच्ची पढ़ रही है, साल नहीं, गार्जियन के सामने, गेस्ट के सामने पढ़िए। चलो ओके सर बाबू, हाँ वीडियो ऑन रखिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट कीजिए, वीडियो ऑन रखिए। नेक्स्ट बाबू, 83 लेट का आती है जी बाबू, 83, इसको भी दबा। अब बाबू आपको बल्गर फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर? तो जिसके डिनोमिनेटर में बाबू 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000, 10000, मतलब 1 पे बाबू 0 वाला नंबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? जैसे 1 है, यहाँ पे खाली 0 है, 1 पे है खाली 0 है, यहाँ पे 1 है खाली 0 नहीं ना, और कोई डिजिट भी है ना, तो 1 पे सिर्फ 0 वाला नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सर? 1 पे 7 0, 8 0, 10, 20, 50 है ना, वो सब बल्गर नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा? बल्गर होगा। नहीं समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, चेक द गिवन फ्रैक्शन इज बाबू बल्गर और नॉट,
है ना, 83 नंबर, इसको चेक करो कौन सा बल्गर है कि नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चेक द क्वेश्चन लिखो, चेक द गिवन फ्रैक्शन। चेक द गिवन फ्रैक्शन इज बल्गर फ्रैक्शन, बल्गर और नॉट। तो जितना भी टाइप लगभग था आपको हमने सारा बता दिया है ना, 83 नंबर। नंबरिंग सही से करना जी, आप लोग नंबरिंग में खाली हल्ला करते हो, हम ही को अब नोट करके लिख लेंगे। आपको चेक करना बल्गर है कि नहीं है, लिखते चलो जल्दी से, 10-20 को लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। आता बाबू निखिल, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का बाबू निखिल कुछ आता आता है? है। यस अच्छा, देखो निखिल चेक करो बाबू, जैसे 10 बटा कितना रहे, 8 रहे, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में रह सकता 84 नंबर है ना, बल्गर है तो टिक मारो और नहीं है तो क्रॉस मारो। 3/4 टिक करो, क्रॉस करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो जी। 1 2 3/ कितना, 1001, 86 नंबर बोला। 6 7 8 3 डिवाइडेड बाई कितना बाबू, 909090, 87 नंबर। फोर एक्सक्यूज थ्री मी सर, टू आप सर बोलिए 85 नंबर में तो लास्ट में भी 1 है, तो ये वल्गर नहीं होगा। क्रॉस करेंगे हाँ, टिक करो, क्रॉस करो, दिमाग लगाओ। चेक ये सब आसान वाला टॉपिक है, ये सबसे आसान वाला है ना, सबसे आसान वाला, इससे आसान कुछ नहीं है। 3 2 5 6 डिवाइडेड बाई बाबू कितना, 99/0। नहीं अच्छा ठीक है, 4 6 3 2 सर, हम सेंचुरी सर, मान। सर हम अब सेंचुरी में आ गए हैं लगभग। अच्छा ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। 10 10 क्वेश्चन अब जीरो होमवर्क दे दे। सिक्स नंबर क्या सर, अगर डिनोमिनेटर में 2000 होगा तो वो बल्गर नहीं होगा सर, अगर 2000 3000 वाला ऐसा कोई नंबर आया तो होगा। करवा रहे हैं, लिखो ना जी। पापा पानी दे दो। चार पांच क्वेश्चन दे दिए सर, जल्दी बाबू, निखिल बाबू, राजदीप बाबू, सक्षम बाबू, सॉरी अंशिका दावा खाने का मन कर रहा है, अंशिका फेर काहे नहीं करती जी। सर, बन गया सर। अगर डिनोमिनेटर में 20,000 होगा तो वो बल्गर होगा या नहीं? बता रहे हैं, लिखो ना बाबू, बता रहे हैं, बता रहे हैं, सर ट्वेंटी बन थाउजेंड लिखो, इतना सही करते हैं, इतना समझाते हैं। सर, आप सिर्फ 6 नहीं होमवर्क देंगे। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अच्छा 2 5 6 9 9 0 4 6 4 6 3 राजदीप बाबू, 8 बजे आता है जी कि नहीं आता जी? आता है सर, हाँ बन गया।
जल्दी लिखे। अब सर क्या कर रहा है अगस्त्य? यार, बहुत कूटेंगे, लिख गप सर लगा। वो क्या कर रहा है नाइन्टी अगस्त्य? फोर क्या सर 94 तक हो गया हुआ सालिन बाबू? हो सर। गया बर्थडे बाबू सालिन? नो सर, अभी क्लास तो कर रही हूँ। हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ाई जरूरी है बाबू, बर्थडे तो हर एक सप्ताह आता है। सर सर बर्थडे हो गया, चलो 94 94 ठीक। तक बता दी। देखो वो कैसे सॉल्व करेंगे। कहाँ उठ के चलिए अंशिका, शैतान अंशिका। अंशिका 10 बार इसको उठा बैठी करवाते, आने दो जिसको। देखो वो बल्कि फ्रैक्शन क्या है सर, डिनोमिनेटर में 1 पे 0 नहीं होना चाहिए, 1 पे 1 को 2 को 4 को 5 को 0 वाला नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 है, 1 पे सारा 0, तो ये बल्गर नहीं होगा। यहाँ 1 है लेकिन 1 पे 0, लेकिन बाद में 1 है ना बाबू, तो ये बल्गर होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखो 9090 है ना, तो ये 1 पे 0 वाला नहीं होना चाहिए, ये है तो ये बल्गर होगा। यहाँ लास्ट में 3 रहे आगे, तो बल्गर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ 99 है, 1 पे खाली 0 रहेगा है ना, तो उसको बल्गर नहीं कहे, बाकी सबको हम लोग बल्गर कहेंगे, तो ये बल्गर होगा। सर 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 आपने सर गलत कर दिया, 87 सर, 87 सही, 87 होगा। वाला ये बल्गर होगा, वेरी गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट 1 पे खाली 0 है तो बल्गर ये नहीं होगा। ये वाला बाबू 1 पे बोला, ये खाली देखो 2 पे 0 है ना, तो ये होगा बल्गर होगा। होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये बल्गर होगा। कैसे सर, शांति से समझो। ये बाबू जाएगा ती, थ्री से थ्री तीन तीन से मारेगा इसको, 3/30 है ना, तो 3 से मारेगा तो 10 बार में मर जाएगा, तो 1/10 बचेगा, तो 1 पे खाली 0 आ गया ना, तो ये बलगर आपका नहीं होगा है ना, ध्यान देना, ये बलगर आपका नहीं होगा। तो सर, छोटी दोबारा छोटी नहीं होगा ये सारा 1000 वाला 10000 वाला। सर चांद्रो, आप सिंपलीफाई करके देखना है ना, मर रहा है कि नहीं मर रहा है, मरेगा तो नहीं हो जाएगा है ना। 1/10 आ गया ना, तो सर जैसे 1000 आएगा ना इसमें, तो फिर ऐसे ना, मारेंगे चांद्रो ये हल्ला खाली कर दो। 4 से मारोगे 4000 बाबू, तो 4 4 मर जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो 1/8000, 1/1000, तो बलगर नहीं होगा, सिर्फ 1/1000 बलगर नहीं होगा। नेक्स्ट इसको भी मारोगे 6 6 मर जाएगा, तो 1 पे खाली क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा बाबू 1 पे कितना, 2 2 4 1 5 0, तो बर्गर नहीं होगा। तो ये भी बलगर नहीं होगा, ये नहीं मरेगा। 7/ है ना, 50 जो भी रहा है ना, ये नहीं मरेगा, तो ये बलगर आपका होगा है ना। तो ये सब बात पे ध्यान देना, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। सर जल्दी लिखो, सर सर न्यूमिरेटर में सर अगर 10 पे पावर कोई नंबर होगा तब न्यूमरेटर में होगा। कुछ, न्यूमरेटर में कुछ हो रहा है उससे नहीं मतलब, न्यूमरेटर में रहेगा उससे कोई नहीं। यहाँ पे दल न्यूमरेटर वाला एग्जांपल जी, यस सर, फर्स्ट न्यूमरेटर वाला का। ही क्वेश्चन न्यूमरेटर वाला है, 83 नंबर। हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम्पल आता है सारा खोज के दिया हुआ रहता है। आगे बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये फ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, इसको समझाते हैं। लिखना है कि हाँ पहले समझा देते हैं ना, निखिल है इस सबको, जानता है कक्षा में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाबू फ्रैक्शन का? अच्छा बोला, यस सर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो फ्रैक्शन का? नो सर, पहले चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप बाबू इंडिपेंडेंस आप जानते हो बताते राजदीप कितना हैं। यस सर, जानते देर में बनाइएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? बहुत हैं, रहेगा। हमें भी बनाना है। देखो बाबू हम लोग फ्रैक्शन, आप लोग बचपन में पढ़े थे बाबू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसका है ना, नंबर का। जैसे मान लो बाबू 10 है, 15 है, 25 है, तो इसको कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है ही है। तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब बड़ा हो गए ना, ये सब आप लोग जैसे 7/99 है, 3/99 है ना, 4/99 है, अब इसको कहेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये सब तो बचपन में पढ़े क्या। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, तो थोड़ा सा बड़ा वाला चीज पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का। जैसे आपको कहेगा 3/5 है ना, 3/ कितना बाबू, ऐसे कर देगा, 4/ कितना कर देगा, 5,
सेवन, 6 बटा कितना कर देगा, 7 कर देगा। अब इसमें कहेगा सब सबसे बड़का फ्रैक्शन कौन है, कौन होगा राजदीप बाबू, जानते हो कि? सर 6/7 कूट देंगे पकड़ के, कौन होगा राजदीप बाबू, जानता है निखिल? सर सर 6/7 3/5 सर 3/5 सर 4/5 3/5 सर सबसे छोटा की बाबू सबसे बड़ा, जानता बाबू निखिल कि नहीं जानता थ्री निखिल? बाई फाइव सर सबसे छोटा या बड़ा सर? हाँ सर जानता, कैसे निकालते हैं बताओ, 3/5 4/5 कैसे निकालते हैं? सर मैं बताऊं पहले सर ना सर तीनों का एलसीएम ले से कर लेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे जैसे 6/7 है, मान लो 6/9 है निखिल, और 6/ मान लो 3 2 4 है सर। निखिल। अगर सर न्यूमरेटर सेम है तो सर उल्टा अच्छा होता है शांत रहे बाबू, बताओ तो सिक्स निखिल बाबू बाय सबसे बड़का फ्रैक्शन कौन होगा इसमें? शांत सर 6/9 सर 6/4 रहो ना हो जी, गलती सलती ऐसे खाली करते, सर कौन सिक्स है बाबू? बाय सेवन सिक्स बाय फोर सर शांत रहो, कौन सा होगा बाबू निखिल? सेवन 6/7 बाबू, चलो ठीक है, सीखो निकल, सीखो सीखो बाबू, है ना? सिक्स बाई हम लोग फोर जरूर सर, सिक्स वो बाय फोर सर होगा सिक्स सर बाई फोर क्योंकि सर उसमें वन आ ही रहा सर, वन होल नंबर है। हल्ला मत करो, हम लोग यही सब सीखेंगे निखिल, है ना, छोटी छोटी मोटी बात है ना, और थोड़ा तेज हो जाओगे तो फिर है ना उसमें बुलाएंगे, 6 बजे बुलाएंगे निखिल हो गया राजदीप हो गया ये सब, है ना, थोड़ा सा और पहले तेज हो जाओ कि ना। सर हम लोग कब इसमें लेंगे? बहुत 3 गो केस लेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को सेम कर देते हैं, दूसरा में डिनोमेटर सेम कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, ना ही न्यूमरेटर ना ही डिनोमेटर सेम होगा इसमें बाबू, है ना। केस फर्स्ट बाबू, पहले आसान वाला पढ़ लेते कि नहीं, केस फर्स्ट बाबू, भेन डिनोमिनेटर इज सेम, भेन डिनोमिनेटर इज सेम, सर लिखूं अगर डिनोमिनेटर सेम है सर तो उसको सर आपको क्या करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रैक्शन में क्या करना, अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू कहाँ पे एंड किए थे बाबू अभी, 80 90 सॉरी 95 95 नंबर से स्टार्ट करें सर, 96 95 सर, 95 डिनोमिनेटर सेम कह रहा, कहने का मतलब क्या होगा, जैसे 3/7 5/7 है ना, 2/7 8/7, शांति समझना। तो अगर ऐसा का फ्रैक्शन दिल रहेगा और डिनोमेटर आप खोलना दोनों, है ना, देखना डिनोमेटर सेम है कि नहीं, अगर डिनोमेटर सेम रहेगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़का होगा वो बड़ा वाला फ्रैक्शन हो जाएगा, शांति से सुनो, 3 केस बनेगा, एक बार में डिनोमेटर सेम करेंगे, एक बार में डिनोमेटर को सेम नहीं करेंगे, और दूसरे तीसरे केस में क्या करेंगे, ना ही डिनोमेटर ना ही न्यूमरेटर सेम होगा, ठीक। तो बाबू देखो यहाँ पे डिनोमेटर क्या है, सेम है ना, तो डिनोमेटर अगर सेम है तो इसमें सबसे बड़का फ्रैक्शन कौन होगा, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ना वो बड़का फ्रैक्शन हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटका होगा वो छोटका फ्रैक्शन हो जाएगा, ये सबसे आसान वाला है ना, सबसे आसान वाला। हम लोग क्या देखेंगे सर, पहले फ्रैक्शन रहेगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट कहेगा, तो दोनों आंख ऐसे करके खोलना, देखना डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़का होगा वो सबसे बड़का फ्रैक्शन हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटका होगा वो सबसे छोटका फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना बाबू निखिल और राजदेव? तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बाबू, असेंडिंग मतलब क्या होता है बताए थे बाबू, असेंडिंग का छोटे से मतलब क्या बड़ा होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर से ग्रेटर की ओर, क्या लिखेंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर की ओर, क्यों ना आया बाबू, स्मॉलर टू ग्रेटर, पर अभी लिखना है हाँ जी स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटा से हम लोग बड़ा की ओर लिखेंगे, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, DFC डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ तो मैंने तो ऑर्डर लिखा ही नहीं, दोनों बस असेंडिंग डिसेंडिंग जी ठीक है, ग्रेटर से स्मॉलर होता है, सबसे पहले सबसे बड़का लिखेंगे उसके बाद सबसे छोटका, तो ग्रेटर से किधर चलेंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर चलेंगे, है ना, ये इसको लिख लो, इसका आपको मतलब आना ग्रेटेस्ट टू चाहिए। स्मॉलेस्ट होगा ना सर, बहुत सारे नंबर हैं हाँ सुपरलेटिव कंपरेटिव डिग्री है ना, आप ये सर। होता, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर इसका किसका होगा, तो डिनोमेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, तो असेंडिंग में क्या लिखना, सबसे छोटका लिखना, अगर असेंडिंग ऑर्डर कहेगा भोला तो सबसे पहले छोटका लिखना, तो ऊपर क्वेश्चन का बाबू असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे भोला, तो सबसे छोटका कौन है सर, 2 है, 2/7,
इससे थोड़ा सा बड़ा, दो से दूरा थोड़ा सा बड़ा कौन है, 3/7, 3 से थोड़ा सा बड़ा 5/7, और ये 8/7। अभी इसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी तो बच्चा बोला है ना, तभी तो सिखा रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो उलट देना, इधर से लिख देना, उधर से 1/6 सबसे बड़का, फिर सबसे छोटका। हाँ? अभी मेरे क्लास चल रही है सर, टाइम हो देखो गया। ऐसे तो टाइम हो गया, बहुत चिल्लाता, अभी 10 मिनट बच रहा है, टाइम है इसका हो गया सर, 10 मिनट तो होमवर्क देने में, कुछ होमवर्क देने में। ए नमन बाबू वीडियो ऑन करो जी, ए नमन सर, बस समय असेंडिंग में दिमाग लगाना है, डिसेंडिंग में तो उसका उल्टा ही लिखना। निखिल सक्षम, कहाँ सक्षम, आलोक तन्नो इसका सक्षम, यहाँ है विक्रम कने जी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, विक्रम शैतान, विक्रम कहाँ जी, नहीं है उसको कूटते हैं, कहाँ उठ बैठ कर रही हूँ अंशिका, सर पानी पीने गई थी, 3 बार पानी पीने जाती है घंटा में, नो सर बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगता है, लेकर बैठिए वाटर वाटर लाबरी, जहाँ जो उठी ना तो उठा बैठी करवा देंगे, चेतन सर सॉरी सर, वाटर वाटर लेकर बैठिए, चेतन का पानी ले पिएगी, 4 बार उठा बैठी करेगी, जल्दी लिखो बाबू। तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, ये आसान वाला है। दूसरा केस में थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे, तीसरा केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, तो ये सबसे आसान वाला, ये तो LKG का बच्चा भी करेगा। दूसरा केस बत है ना सर, अगर इस केस में डिनोमिनेटर अलग हुआ तो क्या होगा सर, आएगा आएगा, 3 गो केस है, डिनोमिनेटर अलग होगा तो भी आएगा, पहले सेम वाला सीखो ना, सारा आएगा। सर 4 केस होने चाहिए, चलो बाबू 8/7 को सर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, ठीक है ना, तो इसी को खाली अरेंज करना, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको मिक्स फ्रैक्शन कहेगा तब करना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, एक और टाइप का फ्रैक्शन आना चाहिए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, तो दोनों सेम होगा तो 1:1 ना हो जाएगा, भोले वो सेम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सारे का 1:1 हो जाएगा, वो 5/5 6/6 तो वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, कट के 1:1 ना दे देगा बाबू, तो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे अरेंज करोगे, सारा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जैसे आप क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, जैसे मान लो 1 2 3/ कितना है बाबू, 3 2 1 है ना बाबू, 2 0/3 2 1 है ना, 2 3 1/3 2 1 1 3 2/3 2 1 इसको करा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो डिनोमिनेटर तो सेम है सर, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़का वो सबसे बड़का, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटका वो सबसे छोटका, आसान है, तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर इसको अरेंज करेंगे बाबू, सोचे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा, आज नहीं खत्म हो पाया, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें, सबसे छोटका लिखेंगे, सबसे छोटका कौन है सर, 123 320 2 103 सबसे छोटका, 103/3 2 1 एरा से थोड़ा सा बड़का, थोड़ा सा बड़ा, तो 123 है ना, हम लोग कंसेप्ट क्लास है, कंसेप्ट खाली सीखेंगे, है ना बाबू, रटने वाला काम नहीं, खाली कंसेप्ट LKG से शुरू करो और पढ़ते चलो, एरा से थोड़ा सा बड़का, 231 है सबसे बड़का, 2 320/3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहेगा, तो इसी उसी को उल्टा कर देना,
है ना, उलट दो आप लोग के साइड में लगता है वो। हाँ बोलिए सर, इसमें आपने सर वो टू लिखा है ना सर, थर्ड क्या क्वेश्चन बाबू। थर्ड नंबर में सर, थर्ड वाला जो फ्रैक्शन है असेंडिंग टू ऑर्डर में। थ्री हाँ मैं लिखी हाँ ना। टू थ्री वन बटा 3 2 1 है, 3 2 1 है। हाँ ओके सर। नो सर, नीचे सर आप क्या थ्री सारे बोल रहे थे आप लोगों के साइड में? इस सब पे तो बड़ी ध्यान देती है। क्या कर रहा है सक्षम बाबू? सक्षम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी। आप लोगों के साइड में वो कंसेप्ट क्लास नहीं चलता है बाबू। निखिल कंसेप्ट क्लास क्या होता है बाबू? यहाँ पे बच्चा बाबू को कंसेप्ट सिखाया जाता है। जैसे स्कूल में क्या होता है, 6 है तो 6 का सिलेबस, 7 है तो 7 का सिलेबस, 8 है तो 8 का सिलेबस। आज जो बच्चा मान लो 8 में, आज इसका 6 कमजोर हो गया तो उसका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बाबू। जो बच्चा 9 में चल गया, बेचारा का बेसिक कमजोर हो गया तो वो सब कहाँ जाएगा? तो वो सब मेरे पास आएगा बाबू, है ना। इसीलिए कंसेप्ट क्लास खोले हैं, जहाँ पे आपको बेसिक है ना कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो। यस हाँ सर, बाबू, और आंसर निकालो लूटो। हाँ आंसर लूटो, बस यही है बाबू। इसीलिए हम लोग क्लास व्लास नहीं रखे बाबू, 5 6 7 कर भी नहीं करते हैं। चोरी करो देखो बाबू कब हम लोग है ना, आप लोग कब फेमस होते हो पूरे इंडिया में बच्चे। आइए सोचिए। जल्दी लिखें, हम लोग जाएंगे स्टेज पे कहाँ के बच्चे? बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस के बच्चे है ना। राज किशोर सर को बुलाइए, फिर स्मार्ट आपको बोर्ड भी सम्मानित दीजिएगा। किया जाएगा कि आपके स्टूडेंट आईएएस बन चेक द गिवन फ्रैक्शन बाबू, रिड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल और बल्गर गए। लिखना, जो रहेगा वो सारा लिखना जैसे बता रहे हैं। चेक द, सर ये क्वेश्चन नंबर 97 होगा। अच्छा ठीक है ना, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है ना, हेडिंग है। चेक द गिवन फ्रैक्शन सर बस 3 क्वेश्चन दीजिएगा तभी 100 हो पाए। इज सर मैं 20 तक रिड्यूस, होमवर्क नहीं भेजूंगी। अच्छा ठीक है, रिड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल और बल्गर। जैसे 97 नंबर, जैसे 3 बटा मान लो कितना 18 है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है बाबू? ऐसे करो, बलगर है कि नहीं है, रेड्यूसिबल है कि नहीं है, ऐसे करके लिखना, इरेड्यूसिबल है कि नहीं है। एक फ्रैक्शन बाबू है ना, बलगर भी हो सकता है, रेड्यूसिबल भी हो सकता है ना। डाउट था, अगर एक का सिर्फ दो दो आ जाए, जैसे कि एक नंबर है जिसका दो आ गया 1 और 2, तो वो रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल दोनों हो जाएगा। एचसीएफ हमेशा सिंगल नंबर आएगा, 1 और 2 कभी नहीं आएगा, 1 2 3 4 कभी नहीं आएगा, हमेशा सिंगल नंबर एचसीएफ आएगा। अच्छा या तो SF1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 10 11 12 13 है ना, ऐसा नहीं आएगा। एक एचसीएफ आ जाएगा, दूसरा SF2 आ जाएगा, वैसे ना आता है। 15 बटा बाबू क्या है? 10 है, तो ये कौन सा होगा? तीनों लिखना है। नॉन वर्बल होगा सर, पूरा सॉल्यूशन करके लिखना है, पूरा डिवाइड करके या ओनली डायरेक्ट? डायरेक्ट क्या सोल्व करके लिखो, सीखोगी कैसे? सर सॉल्व रफ नोट पे। 1 2 3 बटा 3 2 1 सर100 ये नंबर। आपको एलसीएम करना है, एलसीएम करके निकालोगे तब ना पता चलेगा जी, 3 2 5। सर एचसीएफ हाँ भलो, सॉरी बाबू, एस सी अरे एफ, क्यों नहीं एस सी बोले एफ, सॉरी सर, बाबू। मैं अभी तो लिखना स्टार्ट कर दिया आंसर। बाय सर, गुड नाइट सर। आई शैतान, फ्रैक्शन वाला कौन करेगा जी? सर और क्वेश्चन देते हैं छोड़ सर, 1 और 1 से कल करवा दीजिए सर, छोड़ दीजिए आप। हाँ छोड़ दीजिए, यस कहाँ सर जाना छोड़ दीजिए, शैतान है, पीने को बनाएगा तो अभी तो तुरंत कर लेगा। फ्रैक्शन वाला दो चार को करो। सर, दो कल हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? चार दिन कल कोशिश करेंगे फ्रैक्शन को फिनिश करने का, उसके बाद हम लोग डेसिमल में एंट्री करेंगे। और डेसिमल में बहुत बढ़िया बढ़िया बात सीखे लगी है, एकदम ध्यान देना। आप लोग नहीं सीखे वो बताएंगे है ना, जब सिखा देंगे तो कहेंगे सर 9 वाला बुक बन गया।
सर ठीक नहीं करना है सर, सर सॉल्व करना अगर बोलेंगे तो। 6 7 8 / 1 2 3 इसको अरेंज करना, 8 7 6 / 1 2 3 6 7 दोनों में ना दोनों करना है। हाँ दोनों करना है, 7 8 6 / 1 2 3 डायरेक्ट आंसर होगा। 102 नंबर, 9 0 8 0 3 0 / 3 2 1 4 फिर 9 0 8 0 3 0 3 धोखा हो जाएगा, 3 2 1 4 9 0 3 0 0 8 / 3 2 1 4 अरे इसमें ट्रिक क्या चाहिए जी, ट्रिक आगे ना आएगा जी, इसमें कौन सा आपको ट्रिक की जरूरत है, शैतान खुद करता है जी, तेरा में ट्रिक खोज चालू हो जाते जी। इसमें क्या ट्रिक खोजता, नंबर नहीं पहचान आता, न्यूमरेटर में जो बड़का वो बड़का हो जाता है, डी और डी को दोनों लिखना है। हाँ सब लिखना सर, 97 में टिक ही नहीं करना है सर। हाँ हाँ टिक करो, अरे सॉल्व करके टिक करो। पास हाँ बाबू, इसमें प्राइज किसको, स्वर्ण बाबू और उसको अटेंडेंस प्राइज किसको जी, स्वर्ण को और बाबू सर आज नंदिनी दी।